मैं नाम है ज़मीर एजाज और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ बहरीन में, घबराए मत, क्योंकि ये बहरीन कोई मुल्क बहरीन नहीं बल्कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड बहरीन है। जी हाँ, आप स्वात से 37 किलोमीटर का जब फासला तय करते हैं तो आपका वास्ता कुछ पहाड़ों से पड़ता है, इन पहाड़ों को बहरीन कहते हैं। दोस्तों इस वक्त के पहाड़ मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढक चुके हैं और कहा जाता है कि इनके पहले रोज़ ही इन पर 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी। चले आए और आपको इस इलाके के खूबसूरत मकामात की सैर करवा दें। ये वादी पहाड़ों के दरमियान मौजूद है और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है। ये पहाड़ इस वक्त मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढक चुके हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी रोज़ यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई इसलिए बर्फ़ का जो अब तनासब है यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिखाता चलूँ कि आपको रोड के साथ बर्फ़ की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाएगा, आप पहाड़ों की चोटियों पर या उन पहाड़ों के ऊपर दामन पर बर्फ़ अगर देखें तो अभी भी आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत अंदाज में इस पर बर्फ़ को निशावर किया है। लेकिन क्योंकि दूसरे रोज़ यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई इसलिए अभी आपको धूप के भी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं, धूप के भी कुछ आसार आपको नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से बर्फ़ अभी जो है वो पिघलने लगी है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें पाकिस्तान के अंदर ही एक खूबसूरत अंदाज में स्विट्ज़रलैंड दिखा दी। तो ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है क्योंकि जब आपको पहाड़ नज़र आ जाए वो भी खूबसूरती और उस पर ऊपर से बर्फ़ पड़ जाए तो और ज़्यादा खूबसूरती, और उसके दरमियान में अगर आपको एक बहता हुआ दरियाए सवात नज़र आ जाए तो उसकी खूबसूरती में दुगना इजाफा हो जाता है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आपको नज़र आएगा कि साफ सुथरा पानी बहता हुआ जा रहा है और ये स्वात की तरफ है, बिल्कुल गाय स्वात भी कहा जाता है क्योंकि इसका रुख स्वात की तरफ है और ये बड़े खूबसूरत अंदाज में पहाड़ों के अंदर से बहता हुआ पानी है। अगर आप देख चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके को सैर करें जहाँ पर आपका दिल मुतमिन हो और आप अपनी गाड़ी पर आ सकें, तो जी हाँ ये एक ऐसा इलाका है जहाँ आप अपनी गाड़ी पर आ सकते हैं, चाहे आपकी गाड़ी मेहरान हो या वीगो डाला हो। हम लोग यहाँ मेहरान पर आए हैं, रोड बिल्कुल साफ है, रास्ते में हमें बस थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि रास्ते में एक ओवर हेड ब्रिज पर काम लगा हुआ था। इसलिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का रोड मैप आपको मिल जाएगा। स्वात के साथ 37 किलोमीटर की मुसाफत पर वाकया है दरियाए स्वात, उसके साथ मौजूद है पहाड़ियाँ जिनको हम बहरीन कहते हैं। चलिए खेल फेर रही है और अब मैं मौजूद हूँ रॉयल रिजॉर्ट बहरीन में। आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, ये अभी भी ब्रिज को तमीर किया गया है, ये जो दरिया के ऊपर से गुजर रहा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पैदा किया गया है यहाँ पर। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो बहुत ही शानदार अंदाज के ऊपर से जब आप इसके ऊपर गुजरते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि एक हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे पोल से गुजरे, लेकिन इस दुनिया में तरक्की याफ्ता दुनिया में आपको बहुत कम नज़र आते हैं, इसलिए इसका मज़ा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उस होटल से तकरीबन 2 किलोमीटर की मुसाफत पर हम आगे आए हैं तो हमें यहाँ पर नज़र आया है, ये कलाम के इलाके में हुआ है, देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर आने का इरादा हो जाए और आप यहाँ पहुँच जाए तो फिर आपका यहाँ रहने का इरादा हो तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर मौजूद साहिल होटल बनाएं, क्योंकि इनके रेट्स बाकी जो होटलों से मुनासिब भी हैं और बेहतर भी हैं। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनका होटल बिल्कुल दरिया के साथ वाक़ है, इसलिए आपको यहाँ किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता शहर से थोड़ा दूर है, शायद 3 किलोमीटर दूर भी हो, लेकिन इतना फासला नहीं है, आप आ सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगले दिन आप अपनी गाड़ी पर यहाँ से किसी गाड़ी को लेकर आप मालम जबा की तरफ भी जा सकते हैं। ट्रकिन साइड प्लेस है, कमरे शमरे बड़ी तरतीब से बने हुए हैं, बहुत ही साफ और नया होटल है, अभी अभी बना है, पर ये मेरे वादे के मुताबिक आपको यूँ लगेगा कि आप दरिया के साथ हैं, बिल्कुल साथ दरिया है होटल के। मैं आपको दिखा सकूँ तो बिल्कुल साथ तक दरिया आ रहा है,
रात को ये बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही खूबसूरत गीत गाता हुआ गुजरता है यहाँ से। क्या कमाल का होटल है और क्या कमाल की लोकेशन है। बर्फबारी परसों रात को हुई थी, इसलिए जो बर्फ़ जो है वो अब शायद जम चुकी है, अब आपको थोड़ी मुश्किल भी पेश आ रही है इसके ऊपर चलने में। लेकिन इलाका वाले तो यही कह रहे हैं कि दोबारा यहाँ शायद बर्फबारी ना हो, क्योंकि अब मौसम भी साफ़ होता जा रहा है और आपको धूप के भी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब शायद यहाँ पर आने का असल मौका है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था, रात भी बड़ी मुश्किल से गुजारी है। ये दरअसल जो इलाका है ये है गर्मियों के लिए, इसलिए अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो ज़रूर आए। लेकिन शायद मेरी ये आपसे एक दरख्वास्त भी है और एक एडवाइस भी है कि आप यहाँ पर गर्मियों में आएँ, क्योंकि ठंडा ठंडा दरिया और उसके ऊपर ये ठंडी ठंडी बर्फ़ और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और बाकी ज़मीन से सतह समंदर से ठंडी ठंडी इसकी जो बुलंदी है वो आपको यहाँ पर एक ठंडे ठंडे झटके देती है। इसलिए ये आपके सामने ऐसा कोई बर्फ़ आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर गर्मियों में आएँ, गर्मियों में यहाँ के ठंडा पानी भी आपको सुकून देगा, ठंडी हवाएँ भी आपको सुकून देगी। हमारे साथ यहाँ पे साहिल होटल के मैनेजर साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ के हालात के बारे में क्या कहेंगे सर आप। जी सर बताएं यहाँ के हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये कि हालात इधर बहुत ज़बरदस्त है, रास्ता खुला हुआ है, गाड़ियाँ आ सकती है जा सकती है, बाकी बर्फबारी हुआ है, बहुत मज़े का मौसम है, मेहमान बहुत खुश है, बहुत इंजॉय करते हैं और माशाल्लाह हमारा पास बहुत मेहमान आते हैं और बहुत इज्जत करते हैं हम उनका, और माशाल्लाह हमारा जगह भी पुरसकून है, बहरेन बाजार से निकल के 2 किलोमीटर पे है। ओके सर। और यहाँ पे अगर कोई रहने के लिए मसला तो कोई नहीं होगा? कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमारा 24 घंटे बंदा बैठा हुआ है, गार्ड बैठा हुआ है, बाकी हमारा जगह जो स्वाद है इधर कोई खतरा नहीं है, इधर मेहमान का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। पार्किंग मौजूद है आपके पास? पार्किंग मेरे पास बहुत मौजूद है, 300 गाड़ियों का पार्किंग मौजूद है, गाड़ी का पार्किंग का कोई मसला नहीं है हमारा पास, ड्राइवर भी अवेलेबल है। बर्फ के अलावा यहाँ पे कौन सा मौसम अच्छा आने के लिए? बर्फ के अलावा इधर जून जुलाई अगस्त इसमें आता है मेहमान, गर्मियों का लुत्फ उठाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, ज्यादा लोग दरिया के पास दरिया वाला जगह पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे मौसम के लिहाज से। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत ज्यादा है, सारा शोर उतर चुका है, पसंद भी यहाँ निकल रहे हैं हम यहाँ से, और आप देख रहे हैं कि मौसम भी थोड़ा अच्छा हो चुका है, गाड़ी हमारी रेडी है, इंशाल्लाह अभी जून जुलाई में यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जून या जुलाई के लिहाज से ही यहाँ का पानी और इलाका ज़्यादा सूट करता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा, अल्लाह हाफ़िज़।